नायद कदल में रंगर मस्जिद के साथ ही ये नमाज पढ़ने गया, पीछे से आग लग गया, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। एक खांडरस बेचता है, तजबिया टोपिया जाई नमाज एहराम जो हज पर जाता है वो सामान भी बेचता है इधर, इसको बहुत कम से कम 30-35 लाख का हो गया नुकसान। कैश भी सब जल गया, इसका टोटल लॉस हो गया। अभी मैं दिखाऊंगा वो कैश, वो हमारे पास है, वो मैंने घर में रखा है, वो भी ख़त्म हो गया। उसको उगराई आ गई बेचारे का, परसों भी सामान लाया, उसके बाद भी लाया सामान। इस दिन बड़ा दिन है, वो सामान तैयारी कर रहा था, खांडरस है उसके पास, वो सब कुछ जल गया इसका। अब तो गवर्नमेंट को इसको इंसाफ दिलाना है, तो कुछ करना है इसको, क्या बेचारे का। आने वाले जो है वो टाइम पे आए थे? हाँ हाँ, वो टाइम पे आया, 10 मिनट लग गया इसको। ये रास्ता ये इधर ख़राब है, स्मार्ट सिटी बनानी है, लोगों को परेशानी है इस वक्त, इसको इनको स्मार्ट सिटी चाहिए। क्या है तब तक ये स्मार्ट सिटी है, डाउन टाउन सब जल जाएगा, ये सब जाएगा। इनको लाल चौक ज़रूरत है, इनको डाउन टाउन की ज़रूरत नहीं है, इनको डाउन टाउन के लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कैश, ये देखो कैश, ये कितना कैश है, ये कैश हो गया, कैश ये हो गया, ये सब कैश है, 10-15 लाख रुपया कैश है, 10-15 लाख ये कैश, 10-15 लाख रुपया कैश है, वो सब जल गया, माल जल गया 20-30-40 लाख का, ये सब जल गया। इनको डाउन टाउन की ज़रूरत नहीं है, ना लोगों की ज़रूरत है, इनको सिर्फ लाल चौक की ज़रूरत है। इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, ना हमारी मकानों की ज़रूरत है, ना हमारी बच्चों की ज़रूरत है, ना हमको ज़रूरत है इनको, इनको सिर्फ लाल चौक की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद लाल चौक में घूमते हैं, शराब पीते हैं होटलों में। अंकल आप क्या मुतालबा रहेगा आपको? ये इनको इसका बेचारे को इंसाफ चाहिए, यहाँ जाने ये परसों ये 10 दिन के बाद पहले ही ये बाजार मस्जिद भी जल गई, इसी की वजह से, स्मार्ट सिटी की वजह से। यहाँ जो आग लगते हैं, मगर गाड़ियाँ आती है ये फायर सर्विस की, मगर टाइम पर नहीं पहुँचते क्योंकि सड़कों में खंडर बन गया है, बाफ फोटर पाउडर